तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर को देख रखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परिवर्तन देखा, अपवर्तन, ये दोनों में गहरा संबंध है, तो दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन को समझा, इससे हमें अपवर्तन को थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए अपवर्तन में क्या होता है। अपवर्तन का सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग समझ ले। तो अपवर्तन में आपने देखा होगा, पानी में कोई भी अगर चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, तो वो आपको बड़ा और जहाँ पे वास्तविक उसकी स्थिति है वहाँ से आपको अलग दिखेगा, हटकर दिखेगा, ठीक है, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तारा का टिमटिमाना देखा होगा, तो वो भी प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण है। कोई भी वस्तु हो, जैसे पानी में रखा हुआ हो, या फिर आपने देखा होगा कांच में अगर कोई वस्तु का अगर देखे तो उसमें भी थोड़ा सा अलग दिखेगा, वो हम लोग समझेंगे भी बाद में। और मतलब अपवर्तन का कई सारे उदाहरण है, तारे का टिमटिमाना, पानी में किसी वस्तु को देखेंगे तो वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा इधर उधर दिखना, वो होता है अपवर्तन। तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे तो अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी तल में, उसी माध्यम में लौट जाता था वो, उसी माध्यम में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, और आपको पता है कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वायु की, तो वायु में प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, या मीटर में बात करें 3×10^8 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे किलोमीटर में किलोमीटर पर सेकंड। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, वो भी हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे, कौन से किस किस वस्तु में प्रकाश की चाल कितना है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जानते हैं निर्वात, निर्वात जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वायु मतलब वहाँ पे वायु है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम का अंतर, इसलिए दोनों में सेम प्रकाश की चाल हम लोग पढ़ते हैं। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हो, चाल देखें तो वो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखना चाहें मीटर में, तो 3×10^8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, मतलब 309 और बढ़ेगा, 509 ये था, 309 यानी 10^8 यानी 80 पर। तो और ये तो वायु में हुआ, पानी में प्रकाश की चाल देखिए इससे कम होता है प्रकाश की चाल, 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको अगर मीटर में देखें तो 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड, वैसे 1000 से गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव को यहाँ पे खिसका दिए हैं दो अंक इधर, तो 209 और बढ़ जाएगा, 309 तो मीटर वाला रहेगा इसमें। जैसे यहाँ पर था 225,000, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 300 और 300, ये टोटल हुआ कितना सुना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब दशमलव जो है ना, इस दशमलव को हम लोग ये 6 जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10^6 और ये मीटर पर सेकंड है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 225,000 × 10^4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपने मैथ में अगर पढ़ा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होता है, यहाँ पे इकाई स्थान पे जो होना चाहिए ना संख्या में, वो 1 से 9 के बीच होना चाहिए संख्या, तो वो बनाने के लिए दशमलव अगर इसका होता है यहाँ पे, हर संख्या का दशमलव इधर होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये 1 अंक 2 अंक इधर हमने किया, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 2 है इकाई के स्थान पर, आप देख सकते हैं 2 है, 2.25, तो ये 2 ही है और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये 2 अंक इधर खिसका है इसलिए 2 अंक से गुना भी करेंगे, और ये 6 पहले था 10^6 यानी 6, 2 और बढ़ेगा तो ये 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये मैथ में पढ़ना था, ठीक है। तो ये तो हो गया पानी में प्रकाश की चाल इतना होता है, और कांच की अगर बात करें, कांच में देखिए हवा थोड़ा सा पतला माध्यम है, उसके सापेक्ष अगर पानी की देखें तो ये घना माध्यम है, इससे घना माध्यम है। कांच की अगर बात करेंगे तो पानी से भी घना माध्यम कांच होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल और कम होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर में चेंज करेंगे 2×10^8 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, और इसी कारण से प्रकाश जो है वो इधर उधर मुड़ जाता है, चाल के कारण ही अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। मान लीजिए वायु से प्रकाश की चाल आ रहा है तो यहाँ प्रकाश की चाल अलग है, और वो जैसे ही पानी में प्रवेश करेगा तो उसका चाल बदल जाएगा और वो इधर उधर मुड़ जाएगा, यानी अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परिवर्तन तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो इसका डिफिनेशन है कि प्रकाश का अपवर्तन
का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, ठीक है, वैसे भी पारदर्शी माध्यम ही होगा तभी प्रकाश की किरणें आर पार होगी, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो आप समझ लें, जैसे अगर कोई इंसान है या हम ही है, ठीक है, या कोई भी हो, जैसे हम लोग वायु में जा रहे हैं तो आराम से जाएंगे, स्पीड में जाएंगे, जैसे ही आगे जंगल झाड़ मिलेगा तो वहाँ पे अपने को जो स्पीड अभी था वो अब स्लो हो जाएगा और रास्ता भी बदल जाएगा, जिधर अपने को रास्ता दिखेगा उधर से ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि पेड़ और जंगल झाड़ी को सब कुछ पार कर देंगे, ठीक है, वो जिधर रास्ता मिलेगा उधर से जाएंगे, तो वैसा कुछ इसमें भी होगा। तो ये तो अपने को डिफिनेशन समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, अब माध्यम हमने देखा यहाँ पे तो पारदर्शी माध्यम ही होना चाहिए तभी प्रकाश की किरणें आर पार होगी, तो पारदर्शी माध्यम की बात करेंगे, वैसे अपारदर्शी माध्यम भी होता है तो वो तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा पारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल, एक होगा विरल और एक होगा सघन, और ये विरल सघन देखते हैं अच्छे से, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से किरण जाता है और किस प्रकार से अपवर्तित होता है, इसमें भी उसी प्रकार से कोण बनेगा आई आर, इसमें भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले माध्यम की बात आई है तो हम लोग माध्यम को समझते हैं, तो पारदर्शी माध्यम मतलब तो सब कुछ सबको पता है कि जिसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। विरल होता है, एक सघन होता है, विरल बोले तो पतला माध्यम हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, और सघन बोले तो घनत्व जहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये होता है सघन माध्यम। विरल बोले यानी कुछ खाली खाली सा होगा, है ना, पतला सा होगा माध्यम, और सघन मतलब घना सा होगा, ठीक है, तो उसको सघन माध्यम बोलेंगे। आपको पता है अगर विरल माध्यम है, खाली सा है, पतला है, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, और सघन है, घनत्व ज़्यादा है, घना है, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगा। तो विरल माध्यम की अगर बात करें तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है या होता है उसे सघन माध्यम बोलेंगे। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है सघन माध्यम कहलाता है, तो एक विरल माध्यम होगा, एक सघन माध्यम होता है। और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वो पथ की ओर अलग तरीके से विचलित होगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और यही इसका अपोजिट कर दे, अगर सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर जाएगा। तो ये भी हम लोग समझेंगे आगे, फिलहाल तो इतना हम लोग माध्यम को समझ लिए, ठीक है, कि इसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा वो विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम। अब यहाँ पर देख लिए प्रकाश की चाल भी हमने देख लिया, ठीक है, कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होता है, और यही कारण है कि वो अपने पथ से इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसको मिटा देते हैं इधर, पर दिल तो मेरे पास है। अब हम लोग समझते हैं कि जो विरल माध्यम होता है सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम तो हम लोग समझ गए कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, सघन में प्रकाश की चाल कम होगा। तो विरल आखिर है क्या, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वायु में प्रकाश की चाल आएगा, जैसे अभी समझ ही लेते हैं प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ से प्रकाश आएगा और ये एक सतह होगा जो एक सतह होगा जो दोनों माध्यमों को अलग करेगा, वायु वाला माध्यम को और पानी वाले माध्यम को। तो ये वायु से प्रकाश की किरणें आएगी और इस सतह पे टकराएगा जो इस दोनों माध्यम को अलग करता है, ठीक है, इसको अपवर्तक सतह बोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे परावर्तक सतह था जो अपारदर्शी था, यहाँ पे पारदर्शी होगा। तो ये ऐसा किरण आया, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, और ये इसको ऐसे सोझा जाना चाहिए था, लेकिन ये सोझा ऐसे ना जा करके, यहाँ पे अगर हम लोग अभिलंब डालें, ये जिस बिंदु पे टकराता है आपतित किरण, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और यहाँ से अगर हम ऐसे अभिलंब मतलब 90 डिग्री स्ट्रेट यहाँ पे अगर हम डालें तो अभिलंब ऐसे अभिलंब डाला, ठीक है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा इसको बोलेंगे आई, जैसे कि हमने परावर्तन में पढ़ा था। ये आपतित किरण है
और उसके बाद ये जो किरण है ना, इसको सोझा ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इधर ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी इधर अभिलंब की तरफ आप देख रहे होंगे, ये इधर था लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, यहाँ से इधर नहीं चला गया, अभिलंब से दूर नहीं गया, ये अभिलंब की ओर यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ गया, इधर की तरफ लप गया है। तो ऐसा हम लोग समझेंगे, ये आई है और यहाँ पे जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे आर। ये हो गया आर, मतलब ये आई है और ये आर है, तो आपने समझा, इसी को बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन एक तो वायु यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे कांच देख रहे हैं, ये वायु से स्पीड में आएगा, यहाँ पे इसकी प्रकाश की जो चाल है वो कम जाएगा और ये इधर मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर, ठीक है। ये वायु है और ये कांच है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है और इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, लॉजिकली भी अगर सोचे तो ये होगा हमारे लिए विरल माध्यम, चूँकि यहाँ पर प्रकाश की चाल कम है, ज़्यादा है यहाँ पर, सॉरी ये विरल है तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, और ये सघन है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगा, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से यानी वायु से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है, यानी जब कांच में आया, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह या फिर यह, तो यह अपने पथ से या मार्ग से, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ऐसा बोलना है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक पारदर्शी माध्यम से आया, दूसरे पारदर्शी माध्यम में यह अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है, चूँकि ये विरल से सघन में आया, सघन से विरल में आता तो अभिलंब से दूर जाता, वो भी हम लोग समझेंगे अभी। तो ये था यहाँ पे। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये तो वायु है, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर वायु है और कांच है, वायु है और कांच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वायु है, यहाँ पर ये होगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है, वायु और कांच की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अब अगर हम लोग पानी की बात करें, जैसे यहाँ पे एक वायु, हम पहले वायु ही लेते हैं, ये वायु है और इधर पानी है, तो आपको पता है वायु तो पतला माध्यम है, पानी थोड़ा सा गाढ़ा माध्यम है वायु से, है कि नहीं, और तो इसीलिए ये घना है, तो वायु तो आपको पता है पतला है या साफ है, कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे आराम से प्रकाश स्पीड में आएगा वायु में, और पानी घना माध्यम है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कम रहेगा, तो आपको ऐसे समझ लेना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम, लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे पानी विरल माध्यम, यहाँ पे सघन माध्यम है, लेकिन अगर हम लोग एक माध्यम लिए पानी और एक माध्यम ले लिए यहाँ पर कांच, अब यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए पानी में पहले प्रकाश की चाल देखेंगे, तो यहाँ पे अगर वायु से तुलना करें तो वायु से तुलना करेंगे तब तो यहाँ पर कम होगा, तो उसके सापेक्ष ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन, लेकिन अगर पानी और कांच में अगर हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर देख रहे हैं पानी से ज़्यादा घना कांच होता है, ठीक है, कांच होता है घना, तो आपको दिखा भी होगा कांच तो घना होता ही है, वहाँ पे आपने देखा पानी में तो हम लोग तैर भी सकते हैं, वो तो ढीला टाइप से होता है, इससे तो पतला ही माध्यम है कांच के सापेक्ष अगर देखें तो पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, वैसे भी अभी देखा पानी में प्रकाश की चाल 2.25 था ना, यानी 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड था, और कांच में देखा था सिर्फ 200,000 किलोमीटर था, तो इसमें प्रकाश की चाल कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा है, अगर पानी से प्रकाश की चाल आया और कांच में गया तो वो भी अभिलंब की ओर मुड़ ही जाएगा, वो भी ऐसा ही सीन होगा जैसा अभी हमने देखा। तो यहाँ पर जो पानी है ये हो जाएगा विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा है इसके सापेक्ष, और ये हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सघन है वो विरल भी हो सकता है सापेक्ष में, अगर उससे भी कोई घना माध्यम है तो, ठीक है ना, तो ये सघन और
विरल था जो हमने समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे विरल माध्यम उद्यम भी समझ लिया और इधर ये भी समझ लिया कि ये अभिलंब की ओर आएगा। अगर इसके उल्टा अगर हम करें, जैसे कि अभी हमने देखा ये सघन माध्यम विरल माध्यम था, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही थी तो अभिलंब की ओर मुड़ गया और यहाँ पे कोण आई बना, यहाँ पे कोण आर बना। हम लोग अपवर्तन के नियम में पढ़ेंगे कि इसमें इसमें क्या संबंध होता है, जैसे हमने परिवर्तन का दो नियम पढ़ा उसमें, इसी में भी हम लोग अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से और भी समझेंगे। ये जो किरण जा रहा है इसको भी समझेंगे अभी और इसको आगे बढ़ाएंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है प्रकाश का अपवर्तन पे, तो ये इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम की बात था, माध्यम को हमने समझ लिया, चाल की बात था, चार्ज को भी हमने समझ लिया। सघन विरल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक दूसरे के सापेक्ष कौन कौन विरल होगा कौन सघन होगा आप सभी को पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो आपको समझना है। पहले तो हम लोग उल्टा करके भी देख लेते हैं कि जब माध्यम को चेंज करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग ऊपर में पानी एक माध्यम ले लेते हैं, ठीक है, पानी ऐसा माध्यम है, ये पानी है, ठीक, और नीचे नीचे हम लोग एक ऐसा कांच सा बना देते हैं, मतलब यहाँ से नीचे जो है ना, यहाँ से नीचे कांच है, कांच वाला माध्यम है। तो ये जो सतह है जो माध्यमों को अलग करता है, इस वहाँ पे परवर्तक सतह था, यहाँ पे इसको बोल देंगे अपवर्तक, अपवर्तक सतह, ठीक है, ये अपवर्तक सतह होगा, वहाँ पे परवर्तक सतह था। तो जब प्रकाश की किरणें ऐसा आया, इस माध्यम से आया, पानी वाले माध्यम से आया, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग ऐसा एक अभिलंब डाले ऐसा, तो इसको जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसा मुड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुड़ गया था ना, क्योंकि ये यहाँ पर भी वही है, पानी है और कांच ही है, सॉरी, पानी है और इधर इधर कांच है, कांच है, तो ये पानी है और कांच है, तो ये भी विरल माध्यम हुआ, पानी और कांच सघन हुआ, क्योंकि कांच घना होता है पानी के सापेक्ष, तो यहाँ भी वही सीन होगा, वैसा ही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये बात तो हमने अभी समझा, इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर कांच ऊपर कर दे और पानी नीचे कर दे या वायु नीचे हो तो क्या होगा। सपोज ऊपर पानी था, ठीक था, यह ऊपर पानी था, ठीक है, ये पानी वाला माध्यम है ऊपर, ठीक है, ये यहाँ तक वही पानी वाला माध्यम है, एक सतह है जो इस माध्यम को अलग करता है, और नीचे क्या है, ये पानी है तो नीचे वायु है, वायु, आपको पता है वायु जो है पानी, और वायु में अगर देखें तो पानी में प्रकाश की चाल कम होगा, वायु में ज़्यादा होगा, तो इसमें कम होगा, ये घना होगा, तो घना होगा तो समझ जाना सघन, और ये पतला सा होगा विरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, लेकिन यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगा पानी वाले माध्यम से, ये भी पारदर्शी माध्यम है, तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, यहाँ से ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा अर्थात वायु में, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक अभिलंब डाल देते हैं, ऐसा सोझा सा 90 डिग्री पे ऐसा होता है, तो ये क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो चला जाएगा ऐसा, तो ये अभिलंब से दूर चला गया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये भी है अपवर्तन, ये है, ये भी अपवर्तन है, वो भी अपवर्तन है, दोनों अपने मार्ग से विचलित हो चुके हैं, यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश की किरण आया, लेकिन ये अभिलंब से दूर गया, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पानी जो था वो सघन माध्यम था और ये विरल माध्यम था, सघन से विरल में आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अभिलंब से दूर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वायु जो है, विरल से सघन आता है, तो यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जैसे पतला वाला माध्यम से आराम से जा रहा था और उसको मिल गया घना सा, तो वो अपने मार्ग से विचलित तो होता है लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो घना से आ रहा है, ठीक है, धीमा धीमा, लेकिन अचानक से वो ऐसे माध्यम में पहुँच जाता है जहाँ पर पूरा खुला हुआ है, तो वो स्पीड में यहाँ से जाने लगता है, इसलिए वो अभिलंब से यहाँ पर दूर चला जाता है, अभिलंब से दूर। तो इस दो पॉइंट को याद रखना है, दोनों पॉइंट को आप चाहे तो नोट भी कर ले कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, पॉइंट आपको लिख लेना है, और जब प्रकाश किरण
सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। तो ये दो पॉइंट को आपको ध्यान में देना है। और दोनों कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ भी अपने पथ से बेच लिए तो वहाँ भी अपने पथ से बेच लिए। अब इसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो हमने पढ़ा था, और इसको जिस बिंदु पे आता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु, यहाँ भी वही है आपतन बिंदु। बट ये जो परावर्तित किरण है इसको परावर्तित मतलब जो दूसरे माध्यम में जो प्रवेश किया किरण और अभिलंब से जो दूर गया या फिर नज़दीक आया वहाँ पे, तो ये वाला होगा अपवर्तन या अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे, अपवर्तित। ये परावर्तित किरण होगा या आपतित किरण होगा और ये अपवर्तित किरण होगा, ठीक है, आपतन बिंदु। और ये तो अभिलंब का, अभिलंब यहाँ भी बोलेंगे, अभिलंब ही बोलेंगे इसको। तो इसमें इसका डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। वैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन को समझ लिया है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम को भी समझ लिया, उसके बाद हमने माध्यम में तुलना भी करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, जैसे कि इसमें एक बार और थोड़ा सा इसको अच्छे से इधर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इधर देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास वही एक कांच है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, पानी है, वायु एक तरफ, पानी एक तरफ, या पानी ही मान लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे अपवर्तक सतह खींचा, ऊपर वायु है और नीचे पानी है, तो दोनों दो माध्यम है, ठीक है। नीचे पानी है, इससे अपवर्तक सतह जो माध्यम को अलग करता है, अपवर्तक सतह जो माध्यम को अलग करता है, ऊपर से एक आपतित किरण ऐसे आया, ठीक है, ऊपर से आपतित किरण इस प्रकार से आया। इस किरण का नाम हम लोग दे देते हैं इस बार PQ, ठीक है, ये हमारा PQ है। और PQ क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर देखिए आपतित किरण के बारे में लिखा हुआ है, तो यही आपतित किरण यहाँ पर PQ है। जब ये पानी में आएगा, ये पानी है, ठीक है ना, यहाँ पे पानी है तो उससे सघन है, उसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष ये सघन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा अभिलंब डाले, यहाँ पर लंबवत ऐसा, ठीक है, ऐसा अभिलंब डालेंगे तो इसको जाना चाहिए था ऐसा सोझा, लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं S, PQR दे देते, या S भी ठीक था, R, ठीक, PQR, PQR, PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है। तो ये हमारा हुआ दो किरण, एक निर्गत किरण भी होता है, उसको हम लगा आगे समझ लेंगे, वैसे फ़िलहाल अभी इतना ही है। तो यहाँ पर एक तो अभिलंब है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिलंब है, जहाँ पे बिंदु पे आपतित किरण आया है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलेंगे, और अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है इसके बीच जो कोण बनता है यहाँ पे, इसको बोलेंगे आर या अपवर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन नहीं, अपवर्तन में आ रहे तो अपवर्तन कोण, उसको भी आर से सूचित करते हैं और इसको आई से सूचित करेंगे। फिलहाल तो अभी इतना ही समझते, अभी और भी आगे उसमें समझना जो कि अगले पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपतन कोण, आपतन बिंदु की बात कर लेते हैं। ये आपतन बिंदु है, इससे पहले तो आपतित किरण को समझना होगा। तो आपतित किरण यहाँ पे है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यम के जो अलग कर रहा है ये सतह, तो इस पर दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, पड़ने वाली प्रकाश किरण को इस सतह पर, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु की बात करें तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, या यहाँ पर लिखा हुआ है जिस बिंदु पर आपतित किरण माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण, ये जो दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस पर ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराता है, ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर टकराता है, जिस बिंदु पर टकराया तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
फिर अभिलंब किसको बोलते हैं, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब बोलते हैं इसको। वही तो परिवर्तन वाले वैसे ही है, आपतन बिंदु पर ही खींचा गया जो लंब है ना, इसी को अभिलंब बोलेंगे। उसके बाद है अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं, तो ये जो किरण जा रहा है क्यू आर, ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण का क्या, दूसरे माध्यम में मुड़ कर, ये पहला माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में मुड़ गया, इधर मुड़े अभिलंब की ओर मुड़े या फिर अभिलंब से दूर हो जाए, वो मुड़ना ही होगा। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है, जो कि क्यू आर है। उसके बाद है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण तो आपको पता है ऊपर, अपवर्तन कोण नीचे है। तो आपतन कोण को इसको बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतन ये कौन सा किरण है, आपतित किरण वो है, अपवर्तित किरण तो वो है, आपतित किरण ये है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण ये क्यू आर है और अभिलंब ये है। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट समझने के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है पूछा भी जाए, कोई ठीक भी नहीं है। तो ये था, हमने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझ लिया, माध्यम के बारे में अच्छे से समझ लिया, सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। तो ये था, तो ये हमारा पहला पार्ट था, इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे कुछ देखेंगे, मेन जो भी पॉइंट होगा और अच्छे से समझेंगे, पूरा चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे, भले ही पार्ट ज़्यादा बन जाए बट इसको अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पेंट कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार से, जो सके चैनल जो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।